हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का समय था और चाय नाश्ता वगैरह हो गया था मेरा, और नहाने के पहले मैंने सोचा थोड़ा सा आज मैं आप सबके साथ अपना स्किन केयर शेयर करती हूँ, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो आज के दिन साबुन तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती। फेस वाश से थोड़ा बहुत भले मैं वॉश कर लूँ अपने चेहरे को, बट मैं साबुन कभी नहीं लगाती हूँ। तो जो चीज़ मैं लगाती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चुटकी हल्दी, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। एलोवेरा ताज़ा पत्तियों वाला है, तो अगर आप लोगों के पास ना हो, जिसके पास ना हो वो उसकी जगह दही डाल सकता है। और थोड़ा सा मैंने शहद डाला है, शहद भी घर का हुआ बना हुआ शहद था, गाँव से मैं ले आई थी। और गांव से घर करना हो तो आप बाज़ार में तो मिलता ही है शहद, और उसमें दो तीन बूंद मैंने मिलाया था नारियल का तेल, और बस और कुछ नहीं। तो ये एक तरह से स्क्रब का काम करता है और बहुत ही अच्छा है ये। इस्तेमाल करने से मतलब आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत तो मॉइस्चराइज आपका चेहरा हो जाता है। और बहुत मतलब आजकल पता नहीं कैसे ना हवाएँ चल रही हैं और अजीब सा रूखा रूखा चेहरा हो जा रहा है। तो आप सब से यही है निवेदन कि अगर आप लोग हफ्ते में एक बार ये चीज़ इस्तेमाल करोगे ना, तो आपकी स्किन बहुत ही मुलायम बनी रहेगी। और ये ऐसा है कि आप इसको हाथों में, पैरों में, हर जगह उपटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं। तो मैंने चेहरे पर लगा लिया और हाथों में भी थोड़ा लगा ले रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसको पैरों में लगा लूँगी और फिर अपना घर का थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो कर लूँगी, बर्तन वगैरह साफ कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं थोड़ा बचा था तो मैं पैरों में भी अपने लगा ले रही हूँ, और ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब देता है इसका परिणाम। और साफ भी हो जाते हैं पैर वगैरह अच्छे से, जितना साबुन से नहीं होता उतना इन सब से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर टाइम मिले तो आप लोग खुद के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल के ये सब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी तो हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि घर के कामों से फुर्सत मिल जाए थोड़ा कुछ करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और पानी से, ठंडे पानी से अच्छी तरह से मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया है, और अभी मैं जाऊंगी फिर नहाने के लिए। और आप सब देख सकते हैं इसका मतलब इस्तेमाल करने से क्या परिणाम आता है। तो हाथों को भी मैंने साफ़ कर लिया, पैरों को भी साफ़ कर लिया है, और अभी मैं जाऊंगी फिर नहा वहा के पूजा पाठ करके फिर आगे का, फिर थोड़ा खाना वगैरह खा के फिर मैं आराम करूंगी, उसके बाद ही मैं फिर शाम को मिलती हूँ। और छोटी सी वीडियो है फ्रेंड्स, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, ये दोपहर का समय है, मैं थोड़ा बैठी थी, मेरा लंच वगैरह हो गया था, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं अपने टीवी में अपनी वीडियो देखूं कैसी लगती हूं मैं बड़े स्क्रीन पे, तो अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा चलने देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि देखो टीवी पे आ गई मैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था, और शाम को फिर जाती हूँ, मेरा डेली का है 5:30 से 6:30 तक थोड़ा इवनिंग वॉक करने का। तो 6:30 के बाद ही मैं घर आके फिर दिया बाती करके फिर डिनर विनर का इंतज़ाम करती हूँ, और फिर थोड़ा बहुत तो फिर फ़ोन लेके थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बच्चों को फिर पढ़ाना उड़ाना ये सब लगा ही रहता है, और घर में तो काम हज़ारों रहते ही हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के वाईटी के लिए भी सबके घर जाना, सबकी वीडियो वॉच करना, सबका समय देना थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। तो यही सब है डेली का रूटीन। और अभी मैं थोड़ा टहल रही हूँ, दिखा रही हूँ लोगों को कितने अच्छे अच्छे इसी समय फूल खिलते हैं रोड के किनारे किनारे, और बहुत ही वाइट कलर के, पिंक कलर के, हल्के पिंक, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी आपको, बाय।